नमस्कार किसान भाई, राम क्लास में प्रताप में सबका स्वागत है। आज किसान भाई हम बात करूंगा दयाल धान बीज पूसा बासमती 1, इसकी पूरी जानकारी किसान भाई देने वाला हूं। जैसे कि धान की नर्सरी इसकी कब डाली जाती है, बीज ये कौन सा है, बीज की मात्रा कितना डालना है, इस नर्सरी का पौधा कितना, कितने पौधे की रुपाई किया जाता है, इसकी कीमत क्या है, पैदावार में कैसा है, नर्सरी कितने दिन तैयार होती है, एक बीघा के लिए कितने खेत में नर्सरी डालना चाहिए, पानी कैसा इसमें होना चाहिए, एक बाली में कितने दाने आते हैं, ये वैरायटी कितने दिन की है, पक करके कितने दिन में तैयार होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर किसान भाई हम बात करते हैं इस जो दयाल धान बीज पूसा बासमती 1 है, इसका नर्सरी किसान भाई जून से जुलाई महीने में डाला जाता है। और अगर हम बात करते हैं ये बीज का, तो ये बीज जो है रिसर्च बीज है। अगर किसान भाई हम बात करें बीज की मात्रा का, तो 6 किलो बीघा के हिसाब से इसकी नर्सरी डाली जाती है, यानी एक बीघा खेत में रोपाई करना है तो लगभग 6 किलो बीज डालना है। पौधा कितना लगाना है, अगर नर्सरी तैयार हो जाती है तो हमको लगभग इसमें 2 पौधे की रोपाई किया जाता है। किसान भाई अगर हम बात करते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत किसान भाई 120 रुपया केजी के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध है। पैदावार में अगर हम बात करें कितना पैदावार होता है, एक बीघा में कितना पैदावार देता है, तो ये लगभग किसान भाई एक बीघा में लगभग 10 क्विंटल के लगभग जो है पैदावार हो जाता है। ये जो नर्सरी का हम डालते हैं कितने दिन में रुपाई के लायक होती है, जो दयाल धान बीज पूसा बासमती 1 है, तो इसका किसान भाई नर्सरी जैसे हम डाल दिए हैं तो लगभग 30 से 35 दिन के अंदर रोपाई के लायक हो जाता है। अगर हम किसान भाई बात करते हैं एक बीघा के लिए अगर हम नर्सरी डालना चाहते हैं तो कितने खेत में डालें, तो एक बीघा धान की रोपाई के लिए लगभग आपको एक बिस्वा खेत में इसकी जो है नर्सरी डालना होगा। और पानी की अगर हम बात करते हैं किसान भाई, तो इसमें बहुत अधिक पानी नहीं होता है, अगर ज़्यादा पानी है तो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा, और पानी भरा रहेगा तो उसमें दिक्कत होगी, यानी थोड़ा कम पानी रहता है तो भी ये उसके लिए उपलब्ध है। तो अगर हम बात करते हैं कि एक बाली में कितने दाने होते हैं, तो एक बाली में उसके लगभग 60 से 70 दाने हो जाते हैं। ये वैरायटी किसान भाई कितने दिन में पूरी तरह से पक करके तैयार हो जाती है, तो ये वैरायटी किसान भाई जो दयाल धान बीज पूसा बासमती 1 है, ये धान जो है पक करके पूरी तरह से 100 दिन से लेकर के 110 दिन के अंदर अंदर ये पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है, कटने के योग्य हो जाती है। तो किसान भाई हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक किसान भाई वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो को लाइक जरूर करें।